बिजनेसमैन पकड़ के वो पूरा देश चलाना चाहते हैं, तो ऐसा सिस्टम नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर किसान नहीं बचेगा तो निश्चित तौर पे प्रकृति भी नहीं बचेगी, प्रकृति नहीं बचेगी तो मानव जीवन भी नहीं बचेगा। सगला भाई ने राम राम मोहन थारो देसी पत्रकार रवि, आज जो अभी पूछे हैं आप झुंझुनू के जो पीरू सिंह सर्किल पर पूछे हैं, बैठे देखा कि यूथ कांग्रेस के द्वारा है कि जो प्रदर्शन करे जा रहे हैं, जो किसान बिल आया ही बाकी खिलाफ में युवा ही काफ़ी जो जुड़ रहे हैं और अभी कुछ एक के प्रोग्राम जो करे जा रहे हैं, चाल के बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी है जो वीडियो के अंदर जरूर दिला से, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखो, चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि किसानों तक ये बात है जो युवा की है जो जरूर पहुँचे। आज जो देश में किसान आंदोलन चल रहा है, क्योंकि किसान के बिना आज जीवन संभव नहीं है, जिसमें हमारे छोटे भाई यूथ कांग्रेस के अविनाश महला जी हैं, NSUI से अंकित जाखड़ है, मोहित जनेवा है, इनकी जो पूरी टीम है, ये पूरे के पूरे किसानों के समर्थन में आज एक अवेयरनेस कैंप पब्लिक आप प्लेस पे देख रहे हो, आज इस पीरू सिंह सर्किल पे खड़े होके और लोगों को जन जागृति पैदा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस किसान आंदोलन में जुड़ना चाहिए और किसानों को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर किसान नहीं बचेगा तो निश्चित तौर पे प्रकृति भी नहीं बचेगी, प्रकृति नहीं बचेगी तो मानव जीवन भी नहीं बचेगा। और आप सबको पता है मानव जीवन पे तो वैसे ही संकट के बादल आज इस कोरोना जैसी महामारी से बढ़ते जा रहे हैं, इसमें एकमात्र अगर सहारा है तो वो किसान है, जो हमारे लिए अन्न उत्पादन करता है और धरती पे जीवित भगवान का रूप भी किसान ही है। तो मैं भी आप लोगों को, इस पूरी टीम को सपोर्ट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इनको जहाँ भी जिस भी मदद की जरूरत होगी तन मन धन से इस पूरी टीम के साथ हैं और किसान आंदोलन के लिए किसी भी प्रकार की आवश्यकता मेरे पंचायत समिति स्तर पर नवलगढ़ की तरफ से या झुंझुनू जिले की तरफ से कोई भी आवश्यकता होगी, जहाँ मुझे इनके साथ जाना होगा उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। और पूरी टीम को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा जो किसानों के लिए इतना सोच रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। सर, नवलगढ़ पंचायत समिति की बात करें तो नवलगढ़ पंचायत समिति में किसानों में अवेयर करने के लिए द्वारा के प्रयास किया जा रहा है। देखिए, किसान आंदोलन में अवेयर करने के लिए आपको बता दूँ, आज से 2 महीने पहले 2.5 महीने पहले एक किसान जन जागृति रथ मेरे द्वारा जारी किया गया था और किसानों के हस्ताक्षर युक्त भी एक अभियान चलाया था, जिसमें हस्ताक्षर कराए थे, जगह जगह नुक्कड़ नाटक किए गए, गांव ढाणियों में जाके और चुनाव प्रचार के दरमियान भी हमेशा आप मेरे भाषण सुन सकते हो, उसमें मैंने किसानों की बात की है, किसानों को अवेयर किया है, जिसका नतीजा कि मेरे गांव तोगड़ा कला के किसान आज भी धरने पे कई अनशन पे बैठे हैं और लगातार बार बार चेंज होके जाते रहते हैं। मेरे क्षेत्र से काफ़ी किसान नवलगढ़ क्षेत्र से गए हुए भी हैं और बाकी जल्दी हम एक प्लानिंग कर रहे हैं कि या तो सरकार झुक जाएगी और किसानों की बात मान लेगी, नहीं मानेगी तो जल्दी ही एक बहुत बड़ी रैली के रूप में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीच में नगरपालिका चुनाव भी आ गया, आप देख रहे हो पहले पंचायत समिति चुनाव थे, सपोर्ट हमेशा रहा है लेकिन एक बड़े रूप में समर्थन के लिए हम जल्दी तैयारी कर रहे हैं और बॉर्डर पे पहुंच के किसानों के समर्थन में। सर, 26 तारीख में किसान संगठन ही जो बोल रहे हैं कि जो परेड है, विक्रमान ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, तो कांग्रेस को भी किधर लेके के तैयारी करी जा रही है? देखिए, वो तो किसानों के जो कांग्रेस पार्टी के उच्च नेतृत्व की बड़ी बातें हैं, वो क्या डिसीजन लेते हैं उस पर हमें पार्टी के लोगों को मानना है, लेकिन मैं मेरे स्तर पे बात कर रहा हूँ, अगर किसानों को ज़रूरत पड़ी और ट्रैक्टरों की संख्या यहाँ से भी अगर ले जानी पड़ी तो हम हमारे स्तर पे, चाहे उस समय पार्टी का आदेश हो या नहीं हो, किसान का आदेश सर्वोपरि होगा और उसके लिए अगर ट्रैक्टरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो हम भी हमारी पंचायत से ट्रैक्टर भेजेंगे। सर, एक आखिरी सवाल कि सुप्रीम कोर्ट है जो अभी ये जो कानून है आप पर रोक लगा दी गई कि अभी ये लागू नहीं करा जाएगा, तो इसलिए क्या बोला जाए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है जो किसानों के पक्ष में दखलंदाजी कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, वैसे न्यायपालिका के बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पिछले 2-3 साल का जो एक्सपीरियंस है न्यायपालिका का उच्च स्तर पे, जिस तरीके के डिसीजन हुए, जिस तरीके की बातें हुई, मैं उस मामले में ज़्यादा जाना नहीं चाहता, फिर कह रहा हूँ न्यायपालिका के बारे में बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना ही ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि न्यायपालिका को भी सद्बुद्धि दे कि वो किसानों के हित में डिसीजन करे, किसानों के बारे में सोचे, क्योंकि न्यायपालिका भी तभी बचेगी जब किसान बचेगा, वो भी कहीं ना कहीं किसान के बेटे हैं या किसान पे आश्रित हैं, तो मैं तो उनको भी ये कहना चाहूँगा कि किसान हित के बारे में सोचते हुए डिसीजन करें, न कि किसी पार्टी के नुमाइंदों या किसी जो सरकार चल रही है उसके तहत वो कोई डिसीजन करें। थोड़ा सा बताओ क्या? सबसे पहले यहाँ पधारे हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पे समय निकाल के बताएं। आज जो अपनी पत्रकारिता जो अपन ने रखी है, इसका मोटा मोटा विषय ये है
कि जो निर्दयी और हठधर्मी मोदी सरकार है वो अपने जो 3 कृषि काले कानून लेके आई है उन पे अभी भी अडिग है। और जैसा कि आप सभी को पता है, किसान लंबे समय से, लगभग 2 महीने उन्हें पूरे होने वाले हैं, 50 दिन के लगभग उन्हें हो गए हैं, वो इस कड़ाके की सर्दी में और सड़कों पे बैठे हैं। लेकिन ये जो डबल ए गवर्नमेंट है, अडानी और अंबानी की, ये गवर्नमेंट कहीं भी सुनवाई नहीं कर रही है और उन्हें बार बार वार्ता पे बुला के और गुमराह करने का काम कर रही है। साथियों, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जो बिना सूझबूझ के लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद में इस देश का मध्यम वर्गीय गरीब और जो कामगार लोग थे वो सड़क पर आने को मजबूर हो गए थे। उन्होंने कई सैकड़ों, कई हज़ारों किलोमीटर की अपने घर के लिए पैदल यात्रा भी की थी। और किसी आवश्यक कानून को लागू करने की ज़रूरत पड़ जाए उस समय अध्यादेश लाया जाता है। सितंबर में आके इन्होंने एक ध्वनि मत से इन अध्यादेशों को कानून का रूप दे दिया। इसके बाद में लगातार पूरे भारतवर्ष का किसान सड़क पे आने के लिए मजबूर हो गया। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले लगभग 50 दिन से इस किसान प्रदर्शन में लगभग 60 से ज़्यादा किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और वो उन्होंने इस किसान आंदोलन को लेकर बलिदान दिया है। हम केंद्र सरकार से ये भी मांग करते हैं कि उन किसानों को शहीद का दर्जा दें। ये है वो ये कि ये कानून है क्या, इनमें खामियां क्या हैं, अपन वो चर्चा करेंगे कि ये कानून क्या है और सरकार किस तरीके से गुमराह कर रही है और इसके जो इम्पेक्ट आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। जो पहला कानून है इनका वो है किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक। साथियों, सरकार का मानना ये है कि इस कानून के अंतर्गत जो किसान हैं अपने देश के, वो अपनी फसल को जो APMC मंडियां हैं उसके बाहर या किसी अन्य जगह, किसी दूसरे स्टेट में या कहीं भी बेचने के लिए फ्री रहेंगे। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो दूरगामी परिणाम रहेगा साथियों, इसके अंदर APMC मंडियाँ खत्म हो जाएंगी और जो बाहर जो कॉरपोरेट हाउसेज आएंगे वो शुरू में किसानों को अच्छे दाम देंगे फसल के, और जब जो टैक्स आता है, जिस टैक्स से APMC मंडियाँ चलती हैं वो नहीं आएगा, तो स्वतः ही जो कृषि मंडियाँ हैं वो खत्म हो जाएंगी। साथियों, जो दूसरा कानून है वो है किसान मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि से हैं। इसमें जो सरकार का मानना है कि किसान है वो अपनी फसल को खेत के अंदर वहीं बेच देगा, उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, वो आके उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और किसान को भटकना नहीं पड़ेगा कि अपन जो उसकी फसल वो उसके खेत में बिक जाएगी। जबकि इसके जो दूरगामी नुकसान हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर इसमें विवाद की स्थिति आती है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें विवाद की स्थिति आती है, तो इन कंपनियों के पास एक वकीलों का बड़ा दल होता है, जो इनके पास लॉयर होते हैं, वो किसान को उस जगह पे दबाएंगे और किसान जबरदस्त राजस्थान में MSP पे जो बाजरे की बात है, तो जो ये जो बार बार इन बिलों में संशोधन होते हैं और कहीं ना कहीं जो खामियां हैं कृषि उपज मंडियों में, जो दिक्कतें आ रही हैं, उन सब पे प्रकाश डाल के और जल्दी इन सब चीज़ों पे भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, क्या ये कानून लागू हो जाएगा? तो अगर राजस्थान सरकार लागू कर देगी कांग्रेस की सरकार इसका, वो शीर्ष नेतृत्व के हाथ में, वो मैं आपको क्या बता सकता हूँ। जैसा ऊपर से जो हमारी सरकार जो निर्णय लेगी वो मानने के लिए तैयार है। यहाँ युवा कांग्रेस मुख्यतः, यहाँ युवा कांग्रेस किसानों के हक की लड़ाई में उनके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी है। ये जो आज अपनी पत्रकार वार्ता का जो विषय है वो यही है। आज यूथ कांग्रेस ने क्या किया है मुख्य रूप से, वो बताइए। यूथ कांग्रेस लगातार जिस दिन से किसान प्रदर्शन चालू हुआ था उस दिन से लेकर किसानों की सेवा के लिए और उनके साथ इस विरोध प्रदर्शन में कंधे से कंधा मिलाकर, वो टिकरी बॉर्डर हो या वो शाहजहाँपुर बॉर्डर हो, हर जगह पे युवा कांग्रेस किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और इस लड़ाई को लड़ने में मजबूती से अपनी भूमिका निभा रही है। और आगे भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि भारतीय युवा कांग्रेस पूर्णतया लामबंद है किसानों के साथ इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ने के। आज किस तरह से सड़कों पर आपने जागृत किया है, मतलब आम जनता? आज हमने एक जन जागृति कार्यक्रम रखा है जिसमें शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए और
ये बताया है कि नो फार्मर्स नो फूड, किसान बचाओ देश बचाओ। अगर किसान नहीं रहेगा तो आज जैसे इस कोरोना जो महामारी आई इसके बाद में जो अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई थी कहीं ना कहीं उसको खड़ा करने के लिए जो सबसे ज़्यादा किसी ने अपनी भूमिका निभाई तो किसान है। अब ये किसान एक तरीके से देखा जाए तो प्रोडक्शन हाउस है और लगातार अगर अपन यहाँ किसानों को मारने का काम करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सृष्टि खत्म हो जाएगी, नहीं कोई इसमें कोई नहीं बचेगा। अगर किसान नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा, सृष्टि नहीं बचेगी। देश में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है, उसके बाद में भी है कि पार्टी क्यों जो यूथ कांग्रेस है कि अभी आदेश मानने के लिए तैयार नहीं है या फिर उसे सहमत क्यों नहीं है? इसमें देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट किसान संगठनों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये एक मिलीजुली जो केंद्र सरकार है उनका कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पे होल्ड है और उन्होंने ये किसानों को एक लॉलीपॉप दिया है इन कानूनों पे स्टे लगा के। कानून ये खारिज भी कर सकते हैं लेकिन अभी केवल स्टे लगा है और उस कमेटी में जो कमेटी बनाई है चार लोगों की, उस कमेटी के अंदर एक भी किसान संगठन का कोई नेता या किसान नहीं है, इसलिए अभी भी किसानों को यहाँ संदेह। तो केंद्र सरकार है, सुप्रीम कोर्ट पर भी आपको कब्जो जमा रखे हुए हैं? ऐसा किसान संगठनों को लगता है, बार बार जब कल से स्टे आया है उसके बाद में लगातार किसान संगठनों का यही कहना है कि इस कमेटी के अंदर। यूथ कांग्रेस का क्या विचार है इस पे? यूथ कांग्रेस क्या सोचता है कि यूथ कांग्रेस को अगर किसान संगठन इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है तो हर स्थिति में यूथ कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी। बताओ, जैसे आज पीरू सिंह सर्किल पे सभी किसान के लिए यूथ कांग्रेस NSVI के छात्र नेता भी यहाँ मौजूद रहे, सभी ने शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट करके। ये हमारा उद्देश्य सिर्फ एक था कि हम किसानों को जगाएं और उनको उनका अस्तित्व बताएं कि अगर आज हम नहीं उठे, आज हम नहीं जागे तो कल हमारे लिए कुछ नहीं है देश में। और ये जो केंद्र सरकार लगातार बर्बरता बरत रही है, अपनी हर धार्मिकता दिखा रही है, ये मैं मोदी जी से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ। वो बहुत बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी भी नींव सिर्फ और सिर्फ किसानों पे है। वो आज अडानी अंबानी जैसे दो ये बिजनेसमैन पकड़ के वो पूरा देश चलाना चाहते हैं तो ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता। वो मन की बातें करते हैं, वो डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप सभी समझदार लोग हैं, क्या अपने डिजिटल इंडिया के माध्यम से गेहूँ उगा सकते हैं? फसल तो अपने को धरती से ही करनी पड़ेगी, वो किसान ही कर सकता है, अंबानी अडानी नहीं कर सकते। इसलिए उनको भी थोड़ा सा दिमाग लगा के उनके पूरे सेक्रेट को, केंद्र नेतृत्व को मिलकर एक किसानों की मांगों पर थोड़ा गौर करना चाहिए। अभी तक तो उनकी कानों की जू तक नहीं रहेगी है। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि किसानों तक ये बात है जो युवा की है जो जरूर पहुँचे।